हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सुबह सुबह ही ब्लॉगिंग शुरू किया हूँ। हम लोग तरफ तो हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मैं अभी ट्राउज़र पहना हुआ हूँ। अभी सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा कुछ काम बता दिया गया है, तो वो काम करने वाले हैं, तो वो भी ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊँगा। मेरे साथ में कोई भी कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने में तो दिक्कत होता है। अगर मैं जब कुछ करता हूँ तो उस टाइम में मैं अच्छा तरह से वीडियो नहीं शूट कर पाता हूँ, इसलिए कुछ कुछ शूट करूँगा और दिखाऊँगा आप लोग को। हम लोग आम का पेड़ लगाए हुए थे पहले में ही, तो उसी को बस छेक देना है ताकि जानवर सब ना खाएं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे हम लोग कभी कभी हल चलाते हैं तो उस टाइम बैल आकर के खा जाता है, इसलिए उसको छेक देना है सिर्फ। देखिए मैं कल किया था थोड़ा सा एक इस पेड़ को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मैंने कल यहाँ पे इसको आम का पेड़ को छेक दिया था। उसके बाद और ऐसा ही 3-4 आम का पेड़ लगाए हुए हैं खरीद करके, इसलिए इसका थोड़ा देखभाल किया जा रहा है ताकि बड़ा हो और उसके बाद में हम लोग को अच्छा फल दे। और दिखाता हूँ, ऐसा ही 2-3 है तो उसको छेक देना है अच्छा से। और एक आम का पेड़ ये रहा यहाँ छोटा सा है, और 2 आम का पेड़ उधर है उस साइड में, तो वो सबको छेक देना है। वो उस जाली से छेक देंगे, उसके बाद में दिखाऊंगा। तो चलिए काम करते हैं थोड़ा सा। एक ये वाला है यहाँ पे, उस जाली से उसको छेक देंगे, उसके बाद एक और है इधर। ये लकड़ी सबको हटाने के बाद में इस जाली से इसको छेक देना है, उसके बाद एक और जाली है एक्स्ट्रा यहाँ पे इस साइड में, इसको उस साइड एक आम का पेड़ है उससे उसको छेकेंगे इस जाली से। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ जंगल। उस आम पेड़ को घेरने के लिए कुछ लकड़ी का ज़रूरत है, तो वही लकड़ी ले जाने के लिए आए हैं अभी जंगल में। और ये रहा मेरा टांगी, और अभी खोजते हैं लकड़ी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही खोजेंगे, उसका काट करके उसको ले जाएंगे। फाइनली लकड़ी काटना हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं घर और घर में ले जा करके रखते हैं और आगे का काम को पूरा करते हैं। अब घर पहुँच गए हैं बस, और 5 मिनट। इतना हल्का सा ही लकड़ी में ही बहुत वजन है, बहुत भारी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, घर पहुंच गए हैं, अब रखते हैं, उसका थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद शुरू करेंगे फिर। तो फ्रेंड्स आम को घेरने वाला काम तो पूरा हो गया है, पर अभी धान सब काटने का सीजन आ रहा है, कुछ दिनों के बाद में हम लोग धान काटना भी शुरू करेंगे, तो इसलिए धान को रखने के लिए थोड़ा खलिहान तैयार करना पड़ता है, तो वही काम अभी करना बाकी है, तो धीरे धीरे पूरा होगा, वो अभी शुरुआत ही किए हैं, तो उसको थोड़ा सा किए थे सुबह में, तो दिखाते हैं आप लोग को कि किस प्रकार किए हैं और किस जगह करना है। यहाँ इस रूम का खिड़की से भी दिखता है वो, तो इसलिए खिड़की से मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। देख सकते हैं आप लोग इस खिड़की से जो बाहर की ओर घास दिख रहा है वो सबको साफ करना है पूरा, क्योंकि हम लोग यहीं पे घर के पीछे धान को काट करके लाते हैं और रखते हैं। चलिए मैं आप लोग को बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ से आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा जगह है और किस प्रकार है वो भी। चलिए बाहर से देखते हैं। अभी मैं आ गया हूँ घर के पीछे, देख सकते हैं आप लोग, इधर जो घास साफ किया हुआ है दिख रहा है, बस इसी प्रकार करना है। और इधर जितना दिख रहा है आपको छोटा छोटा घास है, उतना एरिया को हमको पूरा साफ करना है, तो देख सकते हैं आप लोग इसी प्रकार साफ करना है, सब तरफ घास को छील करके, और यहाँ पे मिट्टी से इसको चिक्कन किया जाएगा, उसके बाद में यहीं पर हम लोग धान रखेंगे, और यहीं पे धान रखते हैं हमेशा।
तो धान पकने का सीजन भी आ गया है। अभी कुछ यही 2 या 3 हफ्ता के बाद में धान को काट करके हम लोग यहाँ पे लाएंगे और रखेंगे। तो इसी के लिए इस खलिहान को जल्दी से जल्दी तैयार करना है, ताकि धान काटने के बाद में हम लोग धान को यहाँ ला करके रखें और जो काम होता है वो सब यहीं पे होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये रहा एक, और ये रहा एक, फिर ये रहा एक, और फिर ये रहा एक। अब सब कंप्लीट हो गया है।